मरे हुए चिकन में जान डालकर दो दोस्तों ने बनाई कंपनी। नॉनवेज के शौकीन लोगों की पहली पसंद बन गया है लीशियस। लीशियस बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जो मीट और सी फूड को आपके किचन तक पहुंचाती है। हाल ही में इस स्टार्टअप को $52 मिलियन की फंडिंग मिली है। इसी फंडिंग के साथ कंपनी भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है। 2021 में भारत में यूनिकॉर्न बनी स्टार्टअप कंपनियों में इस स्टार्टअप का स्थान 29वां है। हालांकि कंपनी का दावा है कि वो भारत की पहली डायरेक्ट टू कंज्यूमर यूनिकॉर्न कंपनी है। आज हम बात करने वाले हैं इसी स्टार्टअप की ग्रोथ के बारे में, कैसे ये स्टार्टअप शुरू हुई और किस तरह से $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। भारत में लगभग 73% लोग मांसाहारी हैं। देश भर में लोग हर दिन हजारों अलग अलग ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर मीट का कोई ब्रांड नहीं था। भारत में मीट मार्केट कभी व्यवस्थित नहीं रही। अगर आप शहर में अलग अलग कसाई खाने या फिर मीट की दुकानें देख सकते हैं तो वो न किसी ब्रांड के अंदर आती हैं और न ही उनके ऊपर कोई क्वालिटी चेक होता है। ग्राहक के सामने ही मीट को काट कर एक काले थैले में पैक करके ग्राहक को थमा दिया जाता है। अच्छा एक्सपीरियंस न होने के बावजूद ग्राहक को न चाह कर भी वहीं से मीट खरीदना पड़ता है। मीट के ग्राहक की यही परेशानी का हल करने का जिम्मा उठाया दो दोस्तों ने, अब है हंजुरा और विवेक गुप्ता। उन्हें लगा कि इस एरिया में काम किया जा सकता है जो कि आगे चलकर एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। हालांकि विवेक गुप्ता पहले इसके लिए राजी नहीं थे, मगर फिर मान गए। विवेक को चिंता थी कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां कोई मांस का सेवन नहीं करता, खुद विवेक भी नहीं। विवेक जब अपनी नौकरी के दौरान अमेरिका में थे तब उन्होंने मीट खाना शुरू किया। ऐसे में उनके मन में था कि वो शायद ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे, परिवार वाले भी शायद सपोर्ट ना करें। उनको ये भी लग रहा था कि अगर ये मार्केट 30-40 बिलियन की है तो फिर अभी तक किसी और ने इस पर काम क्यों नहीं किया। यही वो सवाल है जो हर उस एंटरप्रेन्योर के मन में आता है जो कुछ अलग या फिर नया करता है। अभय और विवेक एक दिन लंच करते हुए अपना बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहे थे। उनके लंच में जो कुछ आया था उसकी क्वालिटी बेहद खराब थी। तब विवेक ने कहा कि अगर हमें कुछ अलग करना है तो हमें मरे हुए चिकन में जान डाल देनी होगी। बस यहीं से फैसला लिया गया लीशियस के जरिए लोगों को बेहतरीन क्वालिटी के मीट देने का। इसके लिए वो सब करेंगे जिसकी जरूरत है। तब 2015 में दोनों ने बेंगलुरु में अपना स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा लीशियस, डिलीशियस से डी हटा दिया गया। लीशियस का मिशन स्टेटमेंट था, हम वो नहीं बेचेंगे जो कि हम खुद खा नहीं सकते। 6 सालों से कंपनी इसी पर काम करते हुए आगे बढ़ी और आज एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। लीशियस का बिजनेस मॉडल है फार्म टू फोक, यानी कि फार्म से सीधा प्लेट में। कंपनी पूरी सप्लाई चेन को खुद हैंडल करती है। फार्म से माल उठाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज और फिर पैकेजिंग, ग्राहक तक पहुंचाने का काम भी कंपनी खुद ही देखती है। कंपनी ने अपने प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाए हैं। जो भी मीट पैक किया जाता है वो साफ सुथरा होता है और उसे साइंटिफिक तरीके से पैक किया जाता है। कंपनी दावा करती है कि आपके ऑर्डर करने के बाद 19 से 120 मिनट के अंदर पैकेज की डिलीवरी करवा दी जाती है। कंपनी चिकन, फिश और सी फूड, मटन और अंडे और इनकी वैरायटी उपलब्ध कराती है। हर प्रोडक्ट पर कंपनी के 150 क्वालिटी चेक होते हैं। तो आज आपने जाना एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी शुरुआत हुई एक सोच से और आज $52 मिलियन की कंपनी बन गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और बिजनेस स्टोरीज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।